नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें की वेरियस वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज कितनी रहेंगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, अगर हम इनका ऑफिशियल नोटिस डिस्कस करें तो आप यहां पे देख पाएंगे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां पे दिया गया है इनका, एंड ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि यहां पे मेंटिंग प्रेस की तरफ से निकाला गया, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से ये निकाला गया है। यहां पर आप वैकेंसीज देख पाएंगे, जो यहां पे वैकेंसी रहेंगी इंडियन गवर्नमेंट मेन मुंबई की तरफ से जो निकाली गई है वैकेंसीज, पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन W1 इन वेरियस ग्रेड में रहेंगी, जूनियर ऑफिस की रहेंगी B3 लेवल की, एंड जूनियर बुलियंस असिस्टेंट की रहेंगी B3 लेवल की। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट रहेगा 15/6/2023, आज से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 15/7/2023 तक अप्लाई आप कर सकते हैं, 15/6/2023 इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। तो आज से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर लें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा। अभी आप यहां पे देख सकते हैं जो वैकेंसीज यहां पे रहेंगी, जूनियर टेक्नीशियन के लिए फीटर में रहेगी, जिसके लिए यहां पे जो पे स्केल रहेगा 18780 से लेके 17390 तक रहेगा इन IDA पैटर्न ऑफ द स्केल, जो कि अदर अलाउंसेस भी आपके यहाँ पे रहेंगे। टोटल वैकेंसी 24 यहाँ पे रहेंगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम, ITI सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, फिटर का 25 मैक्सिमम एज रहेगी। टर्नर के लिए भी यहाँ पे फुल टाइम आपकी ITI होनी चाहिए, एंड आपका यहाँ पे जो वो 4 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट जूनियर टेक्नीशियन के लिए भी आपका सेम पे स्केल रहेगा, 11 पोस्ट रहेंगी, ITI आपकी होनी चाहिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की, इसमें भी ये सेम रहेगी। जो भी आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी सभी में ए सेम रहेगी, मॉड्यूलर के लिए, हीट ट्रीटमेंट के लिए, उसके अलावा फाउंड्री मैन, उसके अलावा आपके यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर के लिए वैकेंसी दी गई हैं। वैकेंसीज आप देख सकते हैं, फुल टाइम आपकी ITI यहाँ पे होनी चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन से। जो आगे आपकी पोस्ट रहेगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की B3 लेवल की, इसमें 21,540 से 67,160 तक आपका पे स्केल रहेगा, 6 पोस्ट रहेंगी। ग्रेजुएट आप यहां पे एटलीस्ट होने चाहिए, उसके अलावा आपका टाइपिंग स्पीड भी यहां पे होना चाहिए 28 मैक्सिमम स्पीड, सॉरी यहां पे मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है। जूनियर बिलियंस असिस्टेंट के लिए B3 लेवल रहेगा, सेम सैलरी रहेगी। 2 वैकेंसी रहेंगी जो कि SC ST वालों के लिए रखी गई है। फुल टाइम ग्रेजुएट आप यहां पे होने चाहिए, 55% आपके मार्क्स यहां पे होने चाहिए, एंड आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट भी यहां पे लिया जाएगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 28 यहां पे मैक्सिमम एज दी गई है। इसमें जो आपकी वैकेंसी दी गई हैं वो आपको मैंने बता दी हैं। बाकी यहाँ पर जो आगे की आपकी यहाँ पे क्राइटेरिया रहेंगे, जिसमें कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, उसके अलावा क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस 600 रुपीज़ रहेंगे इंक्लूडिंग GST, जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व OBC EWA कैटेगरी से हैं। बाकी अदर कैंडिडेट जो भी SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 200 रुपीज़ फीस यहाँ पर रहेगी। तो ये सभी पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आपकी दी गई हैं। अगर आपने 2 या 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो ये आपकी जो फीस है वो पर पोस्ट के हिसाब से आपको बताई गई है। बाकी का यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3 लेवल एंड जूनियर बिलियंस असिस्टेंट के लिए B3 लेवल का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें इंग्लिश आपकी @40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड ली जाएगी हिंदी एंड इंग्लिश में, उसके अलावा यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो रहेगी हिंदी में रहेगी। टेस्ट जो रहेगा कंप्यूटर पे रहेगा आपका, क्राइटेरिया इसमें मैंने आपको बता दिया है, इवेल्यूएशन टाइपिंग टेस्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे अपेंडिक्स 3 में आपको दिए गए हैं, 4 में वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो आपको नीचे मेंशन किए गए हैं। जो आपका यहाँ पे CVT टेस्ट रहेगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 160 मार्क्स का पेपर रहेगा, 160 क्वेश्चन रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेगा, 5 ऑप्शन में आपको यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 आपको मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे।
जूनियर विलियन असिस्टेंट के लिए भी टेस्ट यहाँ पे जो रहेगा वो सेम रहेगा, वो भी आप यहाँ पे 160 क्वेश्चंस एंड 160 आपके मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो बाकी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका यहाँ पे रखा गया है, इसमें जो आपका स्कोर रहेगा उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी दोनों पोस्ट के लिए, वो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे एंड ओबीसी के लिए 50%, 45% एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहेंगे। जो जूनियर टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट रखी गई है जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन फीटर टर्नर अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल बेल्टर, उसके अलावा फ्यूरेंस मैन के लिए कारपेंट्री मॉड्यूलर हीट ट्रीटमेंट वालों के लिए, तो यहाँ पे इनका जो टेस्ट रहेगा W1 लेवल का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरेंस के, 15 इंग्लिश लैंग्वेज के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे एंड 125 मार्क्स का पेपर रहेगा। बायलैंग्वल ये भी पेपर रहेगा, 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 120 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, इसमें भी आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। यहाँ पे भी क्राइटेरिया सेम रखा गया है पासिंग मार्क का, बाकी जनरल कंडीशंस आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं, सीबीटी टेस्ट आपको मैंने बता दिया है। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे भी इसका बता देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे जाकर क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका पेमेंट ऑफ, सेकंड आपका आएगा पेमेंट ऑफ फीस का, थर्ड आपका आएगा गाइडलाइंस का एंड फोर्थ आपका अदर गाइडलाइंस आपकी आएंगी। यहाँ पे आप जो वो डेट देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। पेमेंट मोड ऑनलाइन से ही रहेगा एंड यहाँ पे पेमेंट मोड का आपको मैंने बता दिया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर में आप लिंक पे जाओगे तो डायरेक्टली आप जो क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे स्टेप आपको दिए गए हैं कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल देता हूँ, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, इनका ऑफिशियल नोटिस आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।